इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में मेरे साथ मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। आप देखिए, आपको कहीं पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौच जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। देश इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जिसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया, तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी। दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, किसने 10ों ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका ये एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी। 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा? लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई, हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा? और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी क्या हिंदी भाषी है क्या? गुजरात हिंदी भाषी है क्या? महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या? असम हिंदी भाषी है क्या? बंगाल हिंदी भाषी है क्या? कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी, ऐसा नहीं,
देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है, आंध्रा में, आंध्रा एंड तेलंगाना जी इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इस पे। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे, सुपर कमीशन बनाने की बात। हाँ, रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है, ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। एक सवाल और, हम बिहार की धरती पे है, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब एससी एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी। और उसमें ये धर्म के आधार पर आरक्षण है। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का, क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है, हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूँ और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। और दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी गंध उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी, इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए, एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ, कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूँ, इस देनों की बहनों की सेवा करूँ, इस देश की बेटियों की सेवा करूँ। नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, मतलब क्या मतलब होता है? आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूँ जी,
मैं तो जीता हूँ दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया। तो अमित जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग लगभग पहुंच चुका है। आप अपने भाषणों में बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा। और नहीं, पहले समझ लो भाई, हमने नहीं कहा है, इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी बारी एक एक साल सत्ता संभालेंगे। वो कहते हैं हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास हर वर्ग का नेता है, तो हमें हम नेता तय कर लेंगे, सरकार बन जाए एक बारी। नहीं, वो नहीं, वहां तक नहीं रुकते, 5 साल एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहां तक जाते हैं जी। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यूटर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, और फिर पॉलिटिक्स में आके पार्टी बनाई, अन्ना बिचारे डालेगांव सिद्धि चले गए, फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी, आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कार्यकर्ता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया, अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाप्त होनी। उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग क्यों नहीं गए, ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। इसलिए बार बार ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बन जाता है। क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी हैं, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे भी लागू होगा, और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं, सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है। कश्मीर में भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बम्पर वोटिंग भी हुई है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये वर्ल्ड को, अराउंड द ग्लोब भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से? निश्चित रूप से है। देखिए, जो लोग आजादी की बात करते थे, जो लोग अलग संविधान की मांग करते थे जी, वो लोग आज भारतीय संविधान के तहत जो चुनाव हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और स्वागत योग्य है, और घाटी की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है, तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, कश्मीर के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी जी। इस चुनाव में आपको हमने कई चुनावों में देखा, लेकिन अमित शाह, लेकिन इस बार आपको, आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो अमित काका के रूप में भी जानने लग गए,
तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं रैलियों में भी देख रहा था आज। अच्छा लगता है युवा बच्चे इस तरह से पुकारते हैं जी। अमित शाह जी, फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार करेंगे। अमित शाह जी, आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था, ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से? अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी, क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएं और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया, और वो हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है, और उसको वो डिबेट करते रहे, और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से, दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है, और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हिमंत बिस्व शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टिकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक चालाकी से फिर से विभाजन की बुईज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिविजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? यही यही ये इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस, पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी, सैम पित्रोदा साहब का भी इस पे बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से, राहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कोई और अर्थ होता हो, शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से रीअसेस करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे, और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे, एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे जी। लेकिन 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 आपने आपने बड़ा दिलचस्प इसका जवाब दिया, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं जी, फैक्चुअल लेकिन
फिर बीजेपी ने तो बोला कि आपसे लेंगे, उन्होंने बीजेपी का कहने का तात्पर्य था बहुसंख्यक से देंगे और अल्पसंख्यकों को दे देंगे यदि ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, ये पीएम ने कहा। ऐसा ना कि उन्होंने कहा ना कि वी विल गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू मुस्लिम्स टू माइनॉरिटीज, तो इसका अर्थ क्या बनता है, हम क्या सोचेंगे इसमें से? बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है, तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है उनको। आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया, जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहां आइए, मैं यहां दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है, कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला। आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका अभिषेक जी, इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दौरान, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।